नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार इंथ्रेस में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल वैकेंसी 2024 की तैयारी। दोस्तों, फाइनली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड विशिष्ट योग्यता धारी स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 18/2023 है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया, देख सकते हैं, तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय पदों को नियुक्ति हेतु विहित प्रपत्र में झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित रिक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 16/1/2024 से 15/2024 तक मध्यरात्रि तक आमंत्रित किए जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि आप लोग का जो आवेदन है 16 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 2024 तक लिए जाएंगे। आवेदन संबंधी विस्तृत विवरण का आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। वही आगे यहाँ पे देख सकते हैं, अभ्यर्थी विवरण में अंकित अर्हतानुसार शैक्षणिक योग्यता एवं निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन समर्पित कर सकते हैं। आवेदन पत्र आयोग के वेबसाइट पर लॉग इन करके समर्पित किया जा सकता है। वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 17 फरवरी की मध्यरात्रि से परीक्षा शुल्क भुगतान करने व फोटो हस्ताक्षर अपलोड कर अपना प्रपत्र प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 19/2/2024 की मध्यरात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 21/2/2024 से 22/2/2024 मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन, अभ्यर्थी अपना नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल संख्या छोड़कर किसी भी अशुद्धि प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्शन डेट भी दे दिया गया है कि आपको 21 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक रिक्ति की संख्या एवं अन्य सूचना तत्संबंधी विवरण अंकित है। तो दोस्तों जो रिक्तियाँ हैं इसके साथ बारे में भी यहाँ पे बता दिया गया है। दोस्तों ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन, देख सकते हैं यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पे विज्ञापन संख्या देख सकते हैं 18/2023 है। और यहाँ पे सीजीएल के बारे में बात किया गया, जेपी सीजीएल सीसीई 2023 है। यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है, जो भी आप लोगों को बताया कि कब कब ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, सारे मेंशन किए गए हैं। आगे परीक्षा शुल्क अगर बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा शुल्क 100 रुपया रखा गया है। वही दोस्तों यहाँ पे परीक्षा शुल्क में छूट झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति होंगे उनको 50 रुपया रखा गया है। वही दोस्तों यहाँ पे पदों की संख्या देख सकते हैं, किस कैटेगरी में कितने सीट जारी किए गए हैं। जैसे यहाँ पे सहायक अनुसंधान पदाधिकारी एवं समकक्ष समूह ख के यहाँ पे जो पोस्ट है, कुल मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं 8 पोस्ट है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं पौधा संरक्षण निरीक्षक, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 26 पोस्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी के यहाँ पे 14 पोस्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे सांख्यिकी सहायक एवं समकक्ष के यहाँ पे देख सकते हैं 28 पोस्ट है। उसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के यहाँ पे 308 पोस्ट है। आगे देखें यहाँ पे तो निरीक्षक विधि मापक यहाँ पे कुल मिलाकर के 28 पोस्ट है। यहाँ पे भूतात्विक विश्लेषक समूह के यहाँ पे देख सकते हैं 30 पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे आगे देख सकते हैं पर्यवेक्षक समकक्ष समूह के यहाँ पे 4 पोस्ट है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के देखें तो लगभग 500 पदों पर वैकेंसी जारी किया गया है, 492 पोस्ट है। तो यहाँ पे वैकेंसी तो कम है, लेकिन दोस्तों देख सकते हैं ये जो पोस्ट है काफ़ी ही अच्छे लेवल के सारे। उसी प्रकार यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, सहायक अनुसंधान पदाधिकारी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको समान मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में आपको स्नातक डिग्री होना चाहिए। पौधा संरक्षण के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लिए, वही अनुमंडल उद्यान पौधा पदाधिकारी के लिए देख सकते हैं यहाँ पे आपको भी चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उद्यान स्नातक, वानिकी स्नातक, कृषि विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। सांख्यिकी सहायक समकक्ष के देख सकते हैं यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित या अर्थशास्त्र में आपको होना चाहिए। निरीक्षक विधि मापक विज्ञान के देख सकते हैं किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान, भौतिकी, अभियंत्रण, रासायनिक, यांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक पास होना चाहिए। ये सारे जो लेवल पोस्ट 6 के हैं। वही भूतात्विक विश्लेषक यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक अधीक्षक समकक्ष के लिए यहाँ पे आप अपना क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। पर्यवेक्षक समकक्ष के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से हस्तलिपि में डिग्री स्नातक होना चाहिए। वही जो तो देख सकते हैं यहाँ पे पद नाम दिया गया है, न्यूनतम उम्र की गणना, अधिकतम उम्र की गणना कब से किया जाएगा, यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया गया है, अपने हिसाब से पूरा चेक कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र जो रखा गया यहाँ पे 21 साल रखा गया है, जो यहाँ पे न्यूनतम उम्र यहाँ पे 21 साल रखा गया है। वही दोस्तों अधिकतम उम्र यहाँ पे देख सकते हैं 35 साल, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 37 साल, महिलाओं के लिए यहाँ पे 38 साल, अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको 40 साल रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे पूरा अपडेट दे दिया गया है। वही दोस्तों आरक्षण का अगर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, आपको उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वही दोस्तों परीक्षा का स्वरूप की बात कर लेते हैं तो आपको एग्जाम यहाँ पे होगा सीबीटी होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको दोस्तों कई सूची दोस्तों आप लोग का एग्जाम कई शिफ्ट में होगा, इसलिए आपको यहाँ पे नॉर्मलाइज भी किया जाएगा। यहाँ पे परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं विकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का
पूर्णांक 3 अंक का होगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक उत्तर के लिए यहाँ पे 1 अंक की कटौती किया जाएगा। वही यहाँ पे देख सकते हैं भाषा विषय को छोड़कर अन्य विषयों में हिंदी और इंग्लिश भाषा में होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो भाषा के प्रश्न होंगे जैसे हिंदी का है तो हिंदी में ही आएगा, उसके अलावा जितने भी मैथ साइंस रीजनिंग प्रश्न पूछे जाएंगे आपको हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। वही मुख्य परीक्षा में यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे या 3 पालियों में ली जाएगी या निम्न विषय रहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न रहेंगे, अंग्रेजी भाषा ज्ञान यहाँ पे 60 प्रश्न रहेंगे। भाषा ज्ञान जो प्रश्न रहेंगे आपको क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे जिसमें आपको 30% नंबर लाना जरूरी है। वही दोस्तों यहाँ पे जनजाति क्षेत्र के बारे में आप देख सकते हैं कुल प्रश्न यहाँ पे जो रहेंगे 100 रहेंगे, परीक्षा भी दूर रहेगा। यहाँ पे वही दोस्तों यहाँ पे पत्र दूर में देख सकते हैं कुल प्रश्न यहाँ पे 100 रहेंगे, परीक्षा भी 2 घंटा का होगा। यहाँ पे देख सकते हैं सारे भाषाओं में यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। वही पत्र 3 में यहाँ पे देख सकते हैं तकनीकी विशिष्ट के यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे, सामान्य अध्ययन के यहाँ पे 20 प्रश्न होंगे और यहाँ पे सामान्य गणित के यहाँ पे 20 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान के यहाँ पे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 30% रखा गया है। वही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मुख्य परीक्षा का हमें जो यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है हिंदी भाषा में आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी अनुच्छेद आधारित प्रश्न होंगे, व्याकरण से यहाँ पे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। अंग्रेजी भाषा में देख सकते हैं अंग्रेजी भाषा में अगर देखते हैं तो अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित प्रश्न आपको हो जाएंगे 30, व्याकरण पे आपको हो जाएंगे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे यहाँ पे देख सकते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जाएगा, इसका भी सिलेबस यहाँ पे देख वो यहाँ पे देख सकते हैं तकनीकी विशिष्ट के यहाँ पे तकनीकी विशिष्ट विषयों को पाठ्यक्रम अलग अलग प्रकाशित किया जाएगा। यहाँ पे सामान्य अध्ययन के यहाँ पे पूरा देख सकते हैं सिलेबस क्या क्या पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान क्या है, टॉपिक क्या क्या यहाँ पे पूछे जाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं उसी प्रकार से सामान गणित यहाँ पे टॉपिक आप पूरे यहाँ पे पूरा देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेघा सूची का निर्माण होगा और दोस्तों आप जो मुख्य परीक्षा देंगे उसी पर आपको मेघा सूची का निर्माण किया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल का पोस्ट है दोस्तों, अभी सभी इसमें जो पोस्टें हैं लेवल 6 के पोस्ट है, यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाला है और दोस्तों सीट भी कम नहीं समझिए, अच्छी खासी सीट है, लगभग 500 के आसपास में सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 400 यहाँ पे अभी काउंट किया 492 सीट टोटल हो रहे हैं, तो 492 सीट भी कम नहीं कहा जा सकता है और सीटें ये जो घट बढ़ सकती है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाएं और इसका और कोशिश करें कि इस बार आपकी सिलेक्शन पक्का हो। तो दोस्तों आपको अपडेट कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।